नमस्कार। हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास टेंथ की साइंस। क्लास टेंथ की साइंस में फिजिक्स चैप्टर, हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे सब्जेक्ट में। और फिजिक्स का हम लोग प्रकाश लाइट पढ़ रहे हैं। लाइट में आगे की जो हेडिंग थी वो हमने बताया, हमने कहा था पढ़ाने के लिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। चलिए हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की बात करते हैं कि अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, और इसके हमने बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल ले रखे हैं, है ना। तो पहले हम बात करते हैं अवतल दर्पण के, अवतल दर्पण आखिर है क्या। तो देखो अवतल दर्पण क्या है कि वह गोली दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। देखो ये दर्पण बना हुआ है, अवतल दर्पण है, जो प्रकाश का परावर्तन है। देखो दबे हुए भाग से प्रकाश किरण आई और परावर्तित हो गई, किस भाग से, दबे हुए भाग से, दबा हुआ भाग है। तो ये क्या है, पर ये अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। इसका मतलब ये है कि दबे हुए जब भाग से प्रकाश का परावर्तन हो तो वह क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। ठीक है, जैसे चम्मच है, चम्मच में आप देखोगे तो एक भाग दबा हुआ होता है, एक भाग उभरा हुआ होता है। ठीक है, तो जब प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है तो वो दूभर दर्पण होगा, उत्तल होगा, और जब दबे हुए भाग से होगा तो वो अवतल दर्पण होगा। कुछ एग्जाम्पल हम लोग आइए देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है दाढ़ी बनाने में, तो दर्पण से नहीं बनाते हैं दाढ़ी, दर्पण को सामने रखते हैं तब बनाते हैं, बनाते तो ब्लेड से हैं। तो दाढ़ी बनाने में है ना, क्योंकि जो है बहुत छोटा शीशा रहेगा या उत्तल दर्पण रहेगा तो वो हमें ठीक से दिखाई नहीं पड़ेगा। अवतल दर्पण में वस्तुएं क्या होती हैं, हमें बड़ी दिखाई पड़ती हैं। क्या होती हैं वस्तु, हमें बड़ी दिखाई पड़ती हैं। तो देखो दाढ़ी बनाने में मनुष्य का चेहरा दर्पण के ध्रुव व फोकस के मध्य बनता है। इसमें जो चेहरा बनता है, आपको जो चेहरा दिखाई देता है, वो चेहरा कहाँ, उसका जो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, देखिए ये ध्रुव है और ये फोकस है, ध्रुव और फोकस के जस्ट बीच में यही यहाँ कहीं बन जाता है। अच्छा, प्रतिबिंब बड़ा और सीधा बनता है। पहली बात तो क्या बनता है, बड़ा और सीधा बनता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। देखो अवतल आप कैसे जानोगे बड़ा है, तो अवतल चार अक्षर बड़े हैं, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। उत्तल में छोटे हैं, तीन अक्षर चार अक्षर, लेकिन छोटा अवतल से छोटा अक्षर शब्द है, इसलिए इसमें क्या बनेगा, ये प्रतिबिंब छोटा बनेगा, अवतल में बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। जो चीजें हैं बड़ी देखनी है, अगर चीजों को बड़ा देखना है तो अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे, अगर चीजों को छोटा देखना है, दूर तक के देखना है, तो वहां पे हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। आगे पढ़ेंगे, भी आगे चलते हैं। प्रतिबिंब बड़ा और सीधा बनता है, प्रतिबिंब पहले तो बड़ा बनता है और सीधा बनता है, ये अच्छी बात है। एक इसका उपयोग और है, डॉक्टर द्वारा आंख नाक कान गले के आंतरिक भागों को देखने, देखो जो आंख नाक गला है, आंख नाक कान गले हैं, इनके जो पार्ट होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, इनको देखने के इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बड़ा देखना ना इन फिगरों को, जब इनको बड़ा देखना है इसलिए हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और क्या बात रही, इनका प्रयोग सर्च लाइट में करते हैं, जो जो जलाने लाइटें होती हैं उनमें जो आगे शीशा लगा होता है वो काहे क्या होता है, दर्पण काहे का होता है, अवतल दर्पण होता है। मोटर कारों के हेडलाइट में, किसमें, मोटर कार के हेडलाइट में, टार्च में। ठीक है, जो हेडलाइट मतलब क्या होता है, हेडलाइट मतलब जहाँ जैसे रात में जब जलाते हैं लाइट, तो जो सबसे आगे लाइट होती है उसी को क्या बोलते हैं, हेडलाइट। तो हेडलाइट में, टार्च में, परावर्तन दूरबीन जो होते हैं उनमें भी हम इन्हीं का प्रयोग, अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। ये आपको याद रखने, एग्जाम्पल पेपर में पूछे जा सकते हैं कि किस में इस तरफ इस चीज़ में किस का प्रयोग करते हैं, आपको पता होना चाहिए। आप बताना, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स लें मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, वह गोली दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। देखो हमने कहा ना, अवतल में क्या होता है, परावर्तन दबे हुए भाग से, उत्तल में क्या होता है, उभरे हुए भाग से। उत्तल दर्पण में जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो कैसे होता है, उभरे हुए भाग से होता है। कैसे होता है, प्रकाश परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है।
देखो ये उभरा हुआ भाग, दबा हुआ भाग, तो दबे हुए भाग में पॉलिश होती है। अच्छा ये पॉलिश होती काहे की है? हमने बताया था ये पॉलिश काहे की होती है, पारे की कलाई करते हैं फिर लाल ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं। ये ध्यान देना, पारे की कलाई और लाल ऑक्साइड का पेंट। ओके आइए देखते हैं। तो क्या हुआ, वह गोली दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। चलिए देख देते हैं इसके उपयोग क्या क्या हैं। मोटर कार में चालक की सीट के पास पीछे के दृश्य को देखने के लिए। आप सबके यहाँ मोटरसाइकिल होगी, दो पहिए वाली मोटरसाइकिल, दो ही पहिए की होती है यार, चार पहिए की तो कार होती है। जैसे मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल में जो शीशा आगे लगा होता है जिसमें आप अपना चेहरा देख के गाड़ी चलाते हो, ठीक है ना, वैसे चेहरा देख के गाड़ी में चलाना ना, कोई भी दिक्कत होगी गिर पड़ जाओगे, ठीक है। तो क्या हुआ, जो शीशा देखते हो आप गाड़ी में जो लगा होता है बाइक में, है ना, जिससे कि आप पीछे की चीज़ भी देखते हो, पीछे में जो गाड़ियाँ आ रही हैं है ना, वो भी जो सामान भी दिखती है, वो चीज़ें भी दिखती हैं, तो वही क्या होता है उत्तल दर्पण। कि इसमें दूर की वस्तुएं लेकिन छोटी दिखती हैं, वस्तुएं छोटी दिखती हैं, बड़ी नहीं दिखती, लेकिन इस दिखती हैं वो, बड़ी दूर की वस्तुएं भी इसमें दिख जाती हैं, इसलिए वो क्या होता है उत्तल दर्पण। तो उसमें वस्तु उसमें मतलब प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा बनता है। जरा देखते हैं, मोटर कार में चालक की सीट के पास पीछे के दृश्य मतलब पीछे के भाग को देखने के लिए प्रतिबिंब छोटे बनने के कारण अधिक दूरी की वस्तुओं को भी देखा जा सकता है। प्रतिबिंब छोटे बनते हैं इसलिए हम पीछे के अधिक दूर तक की वस्तुओं को भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अब क्या हुआ, आप देखते हैं सड़क में लगे परावर्तक जो लैंप होते हैं, सड़क में जो लैंप लगे होते हैं है ना, उनमें भी इसी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण का विस्तार क्षेत्र अधिक होता है। उत्तल दर्पण जो है प्रकाशों को अधिक कस के फैला देता है, ठीक है, इसलिए ये प्रकाश को फैला देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसका विस्तार क्षेत्र अधिक होता है इसलिए प्रकाश को फैला देते हैं। आइए दर्पण की हम कुछ पहचान देखें। दर्पण जैसे हुआ समतल दर्पण हुआ, सॉरी समतल नहीं, समतल वहाँ है इधर नहीं है, ठीक है, अवतल दर्पण हुआ, उत्तल दर्पण हुआ, समतल दर्पण हुआ, इनके पहचान क्या क्या है आइए देखते हैं। हाँ नीचे भाग नहीं था जगह, तो हमने जो है क्या कर दिया है, जगह ना होने के कारण हमने जो है इसको, जगह ना होने का हमने यहाँ पे सेकंड नंबर यहाँ पे लिख दिया, इसमें सेकंड नंबर हमने यहाँ लिख दिया, इसमें जगह तो नीचे नीचे लिख दिया। ओके देखिए पहला क्या है, पहचान क्या है, वस्तु दर्पण के समीप रखने पर प्रतिबिंब सीधा बनता है। अगर आप अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु को रखो तो पहली बात तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, तथा दूर रखने पर अगर आप वस्तु को दूर रख रहे हो तो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, और वस्तु से बड़ा या छोटा बनने अगर वस्तु से छोटा बने तो वह अवतल दर्पण होगा। फिर से एक बार देखते हैं, वस्तु दर्पण के समीप रखने पर प्रतिबिंब सीधा वह वस्तु से बड़ा, तथा दूर रखने पर उल्टा या वस्तु से बड़ा या छोटा बने तो वह अवतल दर्पण होगा। ओके यानी अगर प्रतिबिंब दर्पण के, अगर वस्तु दर्पण के सामने रखो और उसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन जाए है ना, और अगर दूर वस्तु रखो और उल्टा बन जाए तथा वस्तु से बड़ा या छोटा बन सकता है तो वो अवतल दर्पण होगा। और अगर उत्तल दर्पण, देखो इसका एक पार्ट और है, बीच का भाग कुछ दबा हुआ रहता है। अवतल दर्पण क्या होता है, बीच का जो भाग हो थोड़ा सा कुछ दबा हुआ होता है और किनारे का भाग उठा हुआ होता है, तो ऐसे हम उसे स्पर्श करके भी जान सकते हैं कि बीच का भाग दबा हुआ हो, किनारे का भाग थोड़ा उठा हुआ हो है ना, तो हम जान जाते हैं कि कैसा दर्पण है, वो अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण की पहचान क्या होती है, इसमें प्रतिबिंब सदैव सीधा तथा वस्तु छोटा ही बनता है। इस दर्पण में, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, जो चालक होता है बाइक चलाता है उसे सीट के जो बगल में लगा होता है वही पीछे के दृश्य को देखने के लिए। सेकेंड पॉइंट क्या रहा, बीच में कुछ उभरा हुआ होता है, उत्तल दर्पण जो होता है बीच में उभरा हुआ होता है लेकिन किनारों पर दबा हुआ होता है, तो हम जान जाते हैं क्या है, ये उत्तल दर्पण है। समतल दर्पण की पहचान आप सब लोग जानते हो, जो जो देखते हो घर में समतल दर्पण ही होता है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है, वस्तु वस्तु को हम लोग एक भाषा में बिंब भी कहते हैं, तो अगर कहीं बिंब आ जाए तो प्रतिबिंब मत समझना, इसे वस्तु ही समझना, प्रतिबिंब का मतलब परछाई होती है, इमेज होता है। तो वस्तु के बराबर दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। जो समतल दर्पण होता है तो समतल दर्पण जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ बनता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, और दर्पण के पीछे बनता है उतनी ही दूरी पर। शीशे के पीछे मत देखने लगना, शीशे के पीछे नहीं, जो आभास होता है कि शीशे के पीछे बन रहा है वो प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है, शीशे के दर्पण के जो समतल दर्पण है उसके पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है।
इसे हम कैसे जानेंगे? ये जब छुओगे तो आप हर जगह, आपको कहीं मोटा पतला नहीं लगेगा, सब जगह समान लगेगा। तो ये दर्पण सब जगह समान मोटाई का होता है, इसे हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण हो जाता है। तो ये बातें रही, ठीक है, समतल दर्पण। एक बात याद रखना, चलिए फोकस दूरी की हम बात बाद में करेंगे, अगले किसी क्लास में कर लेंगे थोड़ा सा फोकस दूरी, और बाकी सब चीज़ें बताएंगे तुम फिर हम सब, तुम सबको इससे प्रतिबिंब किस प्रकार बनाए जाते हैं, सब दल अवतल दर्पण से उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं, प्रतिबिंब का बनना हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप सब लोग क्लास का लगातार रिविजन करते रहो, जो हमने पीछे पढ़ा दिए हैं, पिछला पढ़ा दिए हैं, बायोलॉजी पढ़ गई है, ठीक है, केमिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ गई है, जो भी केमिस्ट्री पढ़ चुके हो उस केमिस्ट्री का लगातार आप रिवीजन करते रहो, मैथमेटिक्स का रिवीजन आप लोग करते ही रहो, ठीक है, ओके, थैंक यू।